मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लोग नाइन्थ में पढ़ रहे हो या टेंथ में पढ़ रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, ये जो अलजेब्रिक डिवीजन है ना, जिसको हम लोग फैक्टर भी आता है, गुणनखंड बोलते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अलजेब्रिक डिवीजन किया जाता है। आप लोगों को पता, बड़े आसानी से इस प्रकार से डिवीजन आप लोग कर लेते हैं। ऐसे ऐसे वाला तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेते हैं, यदि आप लोग जाते। ये डिजिटल डिवीजन है। हाँ, हम लोग ये क्लास 8th से नीचे, 8th में भी आता है ये वाला डिवीजन, अलजेब्रिक वाला 8th में भी है। यदि आप 8th में पढ़ रहे हो तो भी उसमें है, लेकिन अगर आप छोटे क्लास में हैं तो आपको ऐसे डिवीजन मिलते थे। तो ऐसे तो बड़े आसानी से हम लोग कर देते थे, लेकिन जो अलजेब्रा वाला डिवीजन है, इसको हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं। ध्यान से देखना, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इतना थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं कि अच्छा, यक्स इंटू यक्स क्या होता है? यक्स स्क्वायर। यक्स इंटू यक्स क्या होता है? यक्स स्क्वायर होता है। यदि हम लोग फिर से यदि करते हैं, यक्स स्क्वायर में यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स पर पावर 3 होता है, मतलब पावर जुड़ते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, यक्स पर पावर 2 है और यक्स पर पावर 2 है, इन दोनों का जब गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यक्स पर पावर 4 पावर ऐड हो जाते हैं, होते नहीं होते? तो चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है यक्स माइनस 3 और यहाँ पर यक्स क्यूब माइनस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स माइनस 18। ध्यान से समझना, एकदम बारीक है। यक्स और यक्स क्यूब, देखो यक्स और यक्स क्यूब, पहले टर्म को बस कैंसिल करना था, यक्स और यक्स पहले को खत्म करो। ये पावर में भी देखा जाए तो कितना कम है? 2 पावर कम है ना, तो 2 पावर कम है तो 2 पावर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब इस यक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इस यक्स स्क्वायर का इसमें भी करेंगे। तो यक्स स्क्वायर का जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स क्यूब। यक्स स्क्वायर इंटू यक्स क्या हो जाएगा? यक्स क्यूब। यक्स स्क्वायर देखो माइनस है तो यहां पर लिखते हैं माइनस, और माइनस 3 इंटू यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 3 यक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? अब यहां पर क्या करते हैं, जब हम लोग यहां पर सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है? साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पहले वाला खत्म, पहले वाला खत्म हो गया। अब बचा ये माइनस था, लेकिन माइनस नहीं रह गया ना, प्लस का है। तो प्लस का 3 यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स स्क्वायर, इट मीन 3 माइनस 2 दैट इज द यक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते, क्योंकि उसमें भी तो हम लोग अगला नंबर उतारते थे, अगला नंबर लिख दिए। अब यक्स स्क्वायर इसको और यहाँ पर यक्स है, तो इसको इसको देखना है, ये कितना पावर में कम है भैया, कितना कम है? तो 1 बस कम है। यहाँ पर जो साइन रहेगा वहीं पर इसका साइन रख करके हम लोग आगे लिख देंगे। 1 पावर कम है तो 1 पावर वाले लिख दे, ऐसे 1 पावर दिखा दे जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये यक्स है और ये यक्स है, तो फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स इंटू यक्स क्या होगा बोलो? तो हम लोग लिखेंगे यक्स इंटू यक्स होता है यक्स स्क्वायर। अब फिर से प्लस और माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा? माइनस। अब 3 इंटू यक्स तो यहां पर लिख दिए 3 यक्स। अब क्या करते हैं, जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज होता है। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यक्स स्क्वायर फिर से कार्य करता, मेरे को करना क्या रहता? पहले वाले को खत्म करना रहता है, बाकी बाद में देख लेंगे। पहले वाले को खत्म करो, पहले वाले को खत्म करो। अब यहां पर देखो माइनस था लेकिन अब प्लस हो गया, 3x यहां पर, 3x यहां पर, दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और 3x कितना हो जाएगा? 6x होंगे कि नहीं होंगे? चलो ठीक है, होंगे। अब हम लोग अगला को उतार लेते हैं, माइनस के साथ में 18 बचा है, यही ना बचा है। अब क्या करना है, देखो यहां पर भी x और यहां पर भी x, ये तो ठीक है, बराबरी की बात है भैया। जब बराबरी की बात है तो हम लोग x लिखेंगे नहीं। अब देखो नंबर अलग है, यहां पर 1 भी नंबर नहीं, यहां पर 1 नंबर है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 6। प्लस यहां पर जो साइन आएगा वही यहां पर भी साइन रखते हैं। अब 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 इंटू यक्स क्या होगा? 6 यक्स होगा कि नहीं होगा? 6 यक्स और माइनस, और 6 3 जा 18 होगा। साइन कर देते हैं चेंज, साइन कर दिया चेंज, और एक कहानी हो गई, दोनों खत्म, रिमाइंडर आ गया 0। यह हमारा आपका आंसर हुआ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 6, ये आपका था डिवीजन। एक और आपके सामने लिखा गया है, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन थोड़े से अलग है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसको क्या समझना है। देखो यहाँ पर लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस 2 है और यहाँ पर 2 एक्स पर पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 2। ए पहला काम क्या है? इसको और इसको खत्म करना। पहला काम यही है, इसको और इसको खत्म करना। अब खत्म कैसे होंगे?
तो यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स पर पावर फोर है, तो कितना कम है, दो कम है, तो यक्स स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर टू तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, टू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर टू है तो टू से भी, यहाँ पर तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टू यक्स स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर, तो टू तो टू आ जाएगा, यक्स पर पावर फोर आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो माइनस है, तो माइनस साइन आएगा, लेकिन टू टू जा फोर, अब फोर यक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन हम लोग यक्स स्क्वायर के नीचे वाले में ही लिखेंगे, ये नहीं कि क्यूब वाले के टर्म में लिखेंगे, यक्स स्क्वायर वाले के टर्म में ही हम लोग नीचे लिख देते। चलो लिख दिए माइनस का फोर यक्स स्क्वायर, ठीक है, कहानी जब बदली तो माइनस होगा और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले वाला खत्म, फंडा क्या रहा था, हम लोगों को पहले वाले को खत्म करना है। अब इधर को चार एक्स स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर प्लस में है और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो फोर माइनस थ्री कितने होंगे, वन होंगे, तो वन तो लिखा नहीं जाता, तो बचेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बचेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये जो है इसको हम लोग साइड में इधर को लिख देते हैं थ्री एक्स क्यू, और ये प्लस का है तो प्लस में। यहां पर देखते पावर दो है और यहां पर जीरो है, मतलब डायरेक्ट एक टर्म घटा करके लिखना है, तो हमको सिक्स वाला भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिनिश करना है, इसको इस टर्म को फिनिश करने के लिए देखो यहां पर माइनस साइन है, तो पहले माइनस लिख दिए, यहां पर एक्स स्क्वायर और एक पावर कम है, तो थ्री माइनस टू एक पावर और थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स क्यू, माइनस का थ्री एक्स क्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो थ्री टू जा सिक्स एक्स, साइन करते हैं चेंज और अपोजिट, ये दोनों खत्म हो जाते हैं, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स, यहां पर बचा के एक्स स्क्वायर, और इस टू को यदि हम लोग उतार देते हैं तो माइनस के साथ में टू एक्स स्क्वायर माइनस टू यहां पर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू यहां पर है, एक बार में चला जाएगा और एक बार में जाएगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस टू फिर से साइन कर देंगे चेंज, कहानी हो जाएगी खत्म, ए आपका हुआ, पते समझ आए, ए आपका हुआ, ओके। तो ऐसे हम लोग बड़े आसानी से ये कोई भी डिवाइड यदि आता है, अल्जेब्रिक डिवाइड आता है, तो हम लोग ऐसे इसको करते हैं, ठीक है।